गाइस, अब हम ये पढ़ते हैं इस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन यानी सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब थोड़ा सा हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स वाउचर्स का क्या मतलब है। सोर्स वाउचर्स का मतलब ये हो गया यानी वो एविडेंस जो ये प्रूफ करता है कि हाँ आपका ट्रांजेक्शन इनकर हुआ है। जैसे आप किसी को पेमेंट देते हैं तो उससे आप रसीद लेते हैं, स्कूल फीस जमा करते हैं तो रसीद लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको जो आप फीस देते हैं उसका रसीद मिलता है, कोई चीज खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं तो उसका रसीद मिलता है, वो कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और वो कैसे बनता है ये हम समझते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच एक्ट एज द डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक ये रिटन डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि हाँ दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, रिटन एविडेंस है कि दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन, द डेट, अमाउंट एंड द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इट। हमको सोर्स डॉक्यूमेंट ये बताता है कि ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ है, किन के बीच में हुआ है, किस आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन द अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। इसी के बेसिस में हमें डेबिट या क्रेडिट का डिसीजन लेना है। और दूसरी बात है ये एक एविडेंस होता है, जैसे कैश मेमो कैश परचेस करते टाइम मिलता है, क्रेडिट परचेस के टाइम पे इनवॉइस मिलती है, बिल। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट एंड असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ऑडिट के टाइम पर, ऑडिट का मतलब ये है कि आप जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसके बाद साल भर जब हो जाता है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से ऑडिट करानी पड़ती है, यानी ये चेकिंग करानी पड़ती है कि आपने जो प्रॉफिट या लॉस निकाला है वो सही है या नहीं है, उस पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, टैक्स आपको कितना भरना है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स कितना भरा है यानी जीएसटी कितना पे किया, इन सबसे रिलेटेड चीजें उसमें सारी लिखी रहती हैं जिसको वो सपोर्ट करता है। तो अब समझते हैं कैश मेमो। कैश मेमो इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। कैश मेमो क्या होता है, वो होता है कि जब हम कैश में गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं उस टाइम पर जो बिल बना के दिया जाता है वो कैश मेमो कहलाता है। कैश मेमो बनता कैसे है, तो कैश मेमो का एक टैक्स इनवॉइस, कैश मेमो, गारमेंट प्लाजा नाम लिख दो, खुद का नाम जो बिल बना रहा है वो उसका, अपना एड्रेस वगैरह, जीएसटी नंबर लिख दिया, फिर यहाँ पर नंबर कौन सा बिल नंबर है, यहाँ पर डेट लिखने का, सेम टू सेम ऐसे बनता है। क्वांटिटी कितनी बेची, डिस्क्रिप्शन, कोड, जैकेट जो भी है उसका रेट क्या था, अमाउंट कितना है, उसमें जीएसटी कितना लगाने का, ये सारी चीजें इसमें लिखना है। जीएसटी से रिलेटेड मैं एक अलग लेक्चर अपलोड करूंगा। अब समझते हैं इनवॉइस बिल। इनवॉइस या फिर बिल, यदि हम क्रेडिट में गुड्स सेल या परचेस करते हैं तो वहां पर इनवॉइस बिल बनता है। प्रोफार्मा इनवॉइस का इसका फॉर्मेट है, ये देखो क्या कैसा फॉर्मेट है, टैक्स इनवॉइस हिंदुस्तान, ये सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें बिल नंबर डालने का, डेट, जिस बंदे को बेचोगे उसका नाम, उसका पता और जीएसटी नंबर उसका, सामने वाली पार्टी का, क्वांटिटी पर्टिकुलर, रेट और ये, और उसमें जीएसटी आपको शो करने का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीएसटी का लेक्चर मैं सेपरेटली अलग से अपलोड करूंगा। अब रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, तो व्हेन कैश आर चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, अ रिसिप्ट इशूड फॉर द अमाउंट रिसीव्ड। जैसे आप स्कूल में फीस जमा करते हैं तो आपको रसीद मिलती है, रिसिप्ट, बस वही यहाँ है। यदि आपको कहीं से पैसा मिला है उसके बदले कस्टमर को रसीद दी जाती है। स्पेसिमेन क्या है, ये ऐसा उसका नंबर, डेट, अपना नाम पता, सब कुछ अपना खुद का, रिसीव्ड थैंक्स फ्रॉम, इनसे पैसा मिला, कितना पैसा मिला, कैश में मिला, चेक में मिला, डेट क्या है, किस बैंक का है, चेक का नंबर क्या है, किस इनवॉइस नंबर, किस बिल नंबर के अगेंस्ट मिला है, और यहाँ पर सिग्नेचर है या नहीं है। इस तरीके से पे इन स्लिप, बैंक में आप जब पैसा डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं जो भरते हैं जानकारी की स्लिप भरते हैं उसको पे इन स्लिप कहा जाता है। पे इन स्लिप ये बैंक की आती है, इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें आपको अकाउंट नंबर, पैन नंबर, अपना नाम,
ब्रांच कौन सी है, डेट, सारी चीजें, कैश कितना डिपॉजिट किया, वर्ड में, यहाँ पर दोनों तरफ भरना पड़ता है। ये वाला जो कॉलम होता है ये बैंक ले लेता है और ये वाला सील लगा के हमको दे देता है। डेट लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, कैश चेक है तो चेक का बैंक कौन सा है, चेक नंबर क्या है, कैश है तो यहाँ कैश लिखने का, नोट कितने जमा किए हैं वो नोट लिखना है, पुराना लिया 1000 का बंद हो चुका है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। चेक, चेक आप समझते हो और आपने देखा भी है, चेक एक डॉक्यूमेंट है रिटन ड्रॉन अप स्पेसिफाइड बैंक विच अकाउंट इज हेल्ड एंड इन पेबल इन डिमांड, यानी चेकबुक तो आपने ये देख ही रखी है, नहीं देख रखी तो ये देख लो, HDFC बैंक का चेक है, इनको देना है, यहाँ डेट डालना है, यहाँ अमाउंट लिखना है, यहाँ पार्टी का नाम और यहाँ पे रुपए लिखना है और यहाँ पे साइन करना है और दे देना है। ये जो होता है शुरू के चेक में, शुरू के जो ये 6 डिजिट होते हैं ये होते हैं क्या होता है, ये चेक नंबर होता है, चेक नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो चीजें आपको समझना है बच्चों। तो आज हम मित्रों सीखते हैं, मित्रों डेबिट और क्रेडिट सीखेंगे, लो आओ। डेबिट नोट इज ए नोट सेंट बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी इनफॉर्मिंग द अदर पार्टी दैट हिज अकाउंट इज डेबिटेड इन द सेंडर्स बुक। इसका मतलब ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को यह भेजती है कि हमने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है, और क्रेडिट नोट वो होता है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेंड करती है कि हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। अब इसको आगे समझते हैं क्या है। इट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग द डेट ऑफ इशू, नेम, अकाउंट विच इज डेबिटेड, नेम, एड्रेस, सेंडर, रिसीवर, अमाउंट एंड रीजन फॉर डेबिट, आपने क्यों डेबिट किया। ए परचेजर ऑफ गुड्स विल मेक ए डेबिट नोट इफ ही हैज बीन ओवरचार्ज्ड और व्हेन ही रिटर्न बैक द गुड्स। सिमिलरली द सेलर ऑफ गुड्स विल मेक ए डेबिट नोट इफ ही फाइंड दैट हिज गुड्स हैव बीन अंडर वैल्यूड। देखो परचेजर तब बनाता है जब उसका गुड्स, मान लो कि उसने जो गुड्स खरीदा उसमें प्राइस 12,000 जुड़ गया जबकि वो प्राइस 10,000 ही था, 2,000 ओवरचार्ज्ड हो गया, तो परचेजर बना करके सेलर को देगा डेबिट नोट। उल्टा केस, यानी सेलर को ऐसा लगता है कि गुड्स 15 का था, मैंने तो 12 में ही बेच दिया, अंडर वैल्यूड है, तो फिर सेलर बना के देगा परचेजर को। द इफेक्ट ऑफ डेबिट नोट इज दैट इंडेबटनेस ऑफ बायर इज रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ स्टेटेड अमाउंट। जो उधारी है उतना अमाउंट से कम हो जाता है जितने अमाउंट का डेबिट नोट बनता है। डेबिट नोट का फॉर्मेट है यहाँ पे पार्टी का नाम खुद का और ये बिल नंबर, ये डेट, इसके बाद किस पार्टी का है उसका GST नंबर, किस बिल के अगेंस्ट, रेफ्रिजरेटर रिटर्न एज पर योर इनवॉइस नंबर, रिटर्न एज गुड्स बीइंग डिफेक्टिव, डिफेक्टिव गुड्स थे इसलिए भाई ने रिफंड कर दिया, उसमें जीएसटी एसटी सब लगा करके ये इतने का डेबिट मार दिया, यहाँ साइन कर दी। क्रेडिट नोट इसका जस्ट अपोजिट, सेलर बनाता है जब उसको लगता है कि ओवर चार्ज हो गए और बायर बनाता है जब उसको लगता है कि वो अंडर चार्ज है। ये क्रेडिट नोट सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है, डिलीवरी चालान। फिर अब आए हम वाउचर में, तो ये वाउचर इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज सपोर्टेड बाय वेरियस सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वाउचर में बहुत सारे सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे इनवाइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, ये सारी चीजें वाउचर कहलाती हैं। टाइप्स ऑफ वाउचर, तो सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर, सोर्स वाउचर हमने पहले ही पढ़ लिए, कैश मेमो वगैरह। अकाउंटिंग वाउचर में कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, नॉन कैश वाउचर में ट्रांसफर वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर, ये तो ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं। अकाउंटिंग वाउचर, मोस्ट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स ड्यूली काउंटर साइंड बाय अनदर ऑथराइज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। बुक्स में एंट्री पास करने के लिए जो एक रिटन डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर। इसी को देख करके हमारी अकाउंटिंग होती है। वाउचर के कैश वाउचर, मतलब कैश वाउचर
refers to the voucher which is prepared at the time of receipt of cash or while making payment. Cash को देने या फिर cash लेने के time पर जो voucher बनता है उसको cash voucher कहते हैं. इसमें credit voucher are prepared when cash is received. जब cash receive होती, जैसे goods sell किया, ब्याज मिला या फिर पैसे मिले, तो वहां पर बनता है क्रेडिट वाउचर. क्रेडिट वाउचर का ये फॉर्मेट है, सबका लगभग फॉर्मेट एक ही जैसा है बच्चों. उसके बाद डेबिट वाउचर कब बनता है, जब आप कोई पेमेंट करते हैं तब डेबिट वाउचर बनता है, जैसे सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स, इनके लिए यदि आप पेमेंट करते हैं तो डेबिट वाउचर बनता है. और ये भी सेम है. अच्छा, यहाँ पर रिसीवर का यहाँ पर स्टाम्प वगैरह लग जाता है पेमेंट की वजह से. फिर नॉन कैश वाउचर में क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल के टाइम पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो इशू होते हैं वो नॉन ट्रांसफर वाउचर्स होते हैं. अब इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं. वैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का देख लिया, पर देख लो ट्रांसफर वाउचर कैसा होता है. डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही जगह लिख दिया, टोटल ये आ गया और यहाँ पर सिग्नेचर मार दी. कंपाउंड वाउचर मतलब ए वाउचर विच रिकॉर्ड्स ए ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट और विच कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट. एक प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, जब जरूरत हो जब बना दो, जब भी पेमेंट करो, रिसीव करो और क्रेडिट ट्रांजेक्शन करो तो उस टाइम पर वाउचर आप बना लो. ठीक है.